हक हैं, जो अधिकार हैं इस पूरी जमात के, अनुसूचित जाति के, उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी, परेशानियां और ज़्यादा बढ़ेंगी, तो इस वर्गीकरण की का समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नहीं करती। इसका है ये यात्रा के कारण हुआ है या किस कारण हुआ है, बट जो भी ऐसे असामाजिक तत्व है कार्रवाई उस पर जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन, मैं आपके साथ तबजीत सिंह। हरियाणा में कोटे की कोटी बात कही गई, जिसको लेकर चिराग पासवान सीधे नकारते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मंजूर नहीं है। और जिस तरह से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले हुए हैं और मूर्ति तोड़ा गया, जिसको लेकर क्या कुछ कर रहे हैं चिराग पासवान, पहले सुनो उनकी बातों को। कश्मीर में सरकार बनने के बाद से दूसरी आतंकी हमले हुई है, कैसे देखते हैं? अब ये उसका रिएक्शन है नहीं है, पर जिस तरीके से ये हमला हुआ है ये चिंता की बात जरूर है। केंद्र सरकार की भी नज़र इसके ऊपर है, पर जिस तरीके से नई सरकार के गठन के तुरंत बाद इस तरीके की घटनाएं वापस से शुरू हुई हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। मुझे लगता है राज्य सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि इन बातों को गंभीरता से लेते हुए इस बात को सुनिश्चित करे। एक लंबे समय तक जब केंद्र के शासन वहाँ पर कार्य को देखा जा रहा था, इस तरीके की घटनाओं में पूरी तरीके से रोक लग गई, पर पुनः अगर ऐसे हमले हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो ये चिंता की बात है और राज्य सरकार को भी गंभीरता से इसको देखने की जरूरत है। हरियाणा में सर आप रिजर्वेशन को अलाउ कर दिया गया है हरियाणा सरकार के जरिए। देखिए, भारत का संघीय ढांचा है, राज्य सरकारों के पास भी अपने अधिकार हैं, पर जहाँ तक रही बात इस विषय की, पहले ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस बात को स्पष्ट कर चुकी है कि हमारी पार्टी की नीति इस सोच को लेकर एकदम स्पष्ट है, हम लोग नहीं समर्थन करते हैं इस बात। मुझे लगता है जाति की नहीं जमात की बात होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर जब आप अनुसूचित जाति का जब आप जिक्र करते हैं, जिसका आधार छुआछूत रहा है, अनटचेबिलिटी रहा है, जब तक ये मानसिकता कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों की जो आज भी छुआछूत के आधार पर भेदभाव की भावना रखते हैं, ऐसे में फर्दर बाइफर्केशन सब क्लासिफिकेशन अगर इस तरीके से अगर होता है, तो इससे कहीं ना कहीं जो हक हैं, जो अधिकार हैं इस पूरी जमात के, अनुसूचित जाति के, उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी, परेशानियां और ज़्यादा बढ़ेंगी, तो इस वर्गीकरण की का समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नहीं करती। गिरिराज सिंह यात्रा पर निकले हुए हैं और उनकी यात्रा के बाद सर जो मूर्ति तोड़ने का मामला देखने को मिला है भागलपुर में, वहाँ के तनाव व्याप्त है, क्या लगता है कि ऐसी यात्राओं से बचना चाहिए? जांच का विषय है इस यात्रा के कारण हुआ है या किस कारण हुआ है, बट जो भी ऐसे असामाजिक तत्व है कार्रवाई उस पर जरूर। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान किस तरह से गिरिराज सिंह के यात्रा पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से जो आतंकी हमला हुआ जम्मू कश्मीर में उसमें बिहारियों की मौत हुई, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राज्य सरकार को इसमें सोचने की बात है। इसी तरह तमाम खबरें न्यूज़ 4 के साथ, नमस्कार।